फ्रेंड्स सरकार ट्रेडिशनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडिशनल में मैं खुशी सरकार आपके साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी। फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं एवरी मंथ एक्सपायरी में आपको कहता हूं, अगर आपको बच के रहना है नए ट्रेडर्स खास करके बिल्कुल नए ट्रेडर्स, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नहीं ध्यान देंगे तो एक दिन मेरी बात जरूर आपको याद आएगा। बात क्या है, बात दोस्तों यह है मंथली एक्सपायरी के दिन अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर्स हैं तो आपके पास अगर 20,000 रुपीस है ट्रेडिंग करने के लिए, इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप सिर्फ 5,000 कैपिटल को ही यूज करें। इससे ज्यादा कैपिटल को यूज मत कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे हो सकता है कि 20,000 का बिल्कुल जीरो बन सकता है और 20,000 का फिर 1,00,000-2,00,000 भी बन सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, हम 20,000 से तो 40,000 बना लेते हैं लेकिन इस 40,000 को पकड़ के रख नहीं सकते हैं, ये हमारा किसी ना किसी प्रकार से जीरो हो ही जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा इन स्टूडेंट से मिलिए, इनका हर रोज़ का प्रॉफिट मैं इसे पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये इन स्टूडेंट का जो क्लास करने के बाद किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मैं सेकेंडली इन स्टूडेंट को दिखाना चाहूँगा जो हर रोज अपना डिसीजन से 25,000-30,000-50,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियरली डिस्कस करूंगा कि आपको कल के लिए क्या मार्केट रह सकता है, बैंक निफ्टी कैसे आपको चल सकता है, कहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। चलिए तो सीधा चलते हैं। लास्टली मैं दिखाऊंगा हमारा इस स्टूडेंट का प्रॉफिट जो अभी सीट बुक किए हैं, जिन्होंने जस्ट अभी सीट बुक किए हैं, और इनका हर रोज का प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं इनका प्रॉफिट क्या है, और जैसे सीट बुक करने के बाद मैं कंटिन्यू इनको कॉल भी दे रहा हूं। ओके, और खुद से भी ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन दिनों में मैं थोड़ी सी बिजी हूं, जिन कारण से मैं पूरा दिन आपके साथ नहीं रह पा रहा हूँ, और कल का दिन तो मैं बिल्कुल ही मार्केट में शायद नहीं रह पाऊंगा, तो बी टेक केयर। चलिए तो सीधे शुरू करते हैं टेक्निकल चार्ट, और यहाँ पे देखते हैं कल के लिए क्या चार्ट बन रहा है। तो मैं आपको क्या बताया था, जब मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, उससे पहले दिन जब वीडियो बनाया था तो मैं आपको क्या कहा था, जरा याद कीजिए। वो दिन मैं आपको कहा था कि इस लेवल एक रेजिस्टेंस बनेगा, इस लेवल से ऊपर जाने से हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा 14,690, और कल के लिए मैं यही कहूंगा कि हमारा रेसिस्टेंस लेवल रहेगा 14,690। दोस्त अगर कल 14,690 तक लेवल टच हो जाता है, बहुत ही केयरफुल 14,675 और 14,690 ये जो लेवल है बी केयरफुल, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में क्या स्थिति है। 15 मिनट के चार्ट में आपको यह स्थिति है कि लास्ट टाइम में मार्केट एक गिरने का संकेत दिखा रहा है। तो हम अगर मार्केट नेगेटिव जाता है तो किस लेवल से नीचे कौन सी लेवल तक हम देखने का कोशिश करेंगे, सबसे पहले मैं बताऊंगा 14,824 नियर अबाउट जो ये लो है, इस लो को अगर ब्रेक करता है, इससे नीचे ओपन होता है, तो यहाँ से जो डाउन साइड जा सकता है वो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से जो डाउन साइड जा सकता है दोस्त ध्यान दीजिएगा, वो डाउन साइड आपको मिल सकता है 14,724, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट का डाउनफॉल मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूंगा अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा। अदरवाइज अगर इस लेवल को पॉजिटिव जाता है तो यहाँ से 975 ये मैं लाइन खींचा हूँ, ये लेवल आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको बहुत क्लियरली ध्यान देना है कि शुरू का आधे घंटे मार्केट किस तरफ जा रहा है, शुरू का 15 मिनट मार्केट किस तरफ जा रहा है, शुरू का 10 मिनट मार्केट किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ मार्केट शुरू का 10 मिनट जाएगा, यानी कि शुरू का 5 मिनट का कैंडल का हाई एंड लो को मार्क कीजिए, अगर इस हाई को 5 मिनट कैंडल को हाई को ब्रेक होता है तो आप पुट साइड ले लेना। बहुत ही अजीब सी बात बता रहा हूं, और ऐसे ही सारे बातें हमारे टेक्निकल क्लास में बताते हैं, राइट। मिला के देखना कल के दिन, मैं पिछले संडे को आया था, एक स्ट्रेटजीज आप लोगों को दिया था, आई थिंक वो स्ट्रेटजी आप लोगों को बहुत अच्छे काम कर रहा होगा। अगर मार्केट निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, खास करके मैं जो ये चीज बता रहा हूँ जो बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा था,
और बैंक निफ्टी का चार्ट में हम देखेंगे, यह है दोस्तों चार्ट बैंक निफ्टी का, राइट। और इस बैंक निफ्टी के चार्ट में जो हम रेसिस्टेंस देख पा रहे हैं, अगर बैंक निफ्टी सुबह के सेशन में यहाँ से एक गिरावट आता है, अभी कहाँ चल रहा है 33,660, अब आपको दिखाई दिया कि मार्केट 33,450 में ओपन हुआ। मैं एक अज्यूम बता रहा हूँ, कोई ये कंफर्म नहीं है कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। देखिए इन चीजों का कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ये दोस्त जो एग्जिस्ट निफ्टी बाहर का मार्केट का सिचुएशन होगा उस हिसाब से एग्जिस्ट निफ्टी का बिहेव होगा, और वो एग्जिस्ट निफ्टी को देखते हुए इंडियन मार्केट ओपन होता है, राइट। इसके पीछे मेन लॉजिक ये है। अगर आप बोलेंगे फिर टेक्निकल में क्या है, तो दोस्त टेक्निकल में क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो मैं आपको बता सकता हूं। तो यहाँ पे टेक्निकल देखने के बाद आपको बहुत क्लियरली सिचुएशन तो नहीं आई कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, लेकिन पूरा सिचुएशन डिपेंड कर रहा है आपको एग्जिस्ट निफ्टी के ऊपर, ओके। अब मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरा वीडियो, जिन लोग सुन रहे हैं जिन लोग देख रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे तो भी आपको मार्केट सिचुएशन में ये काम आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो इसके बाद अगर किसी जगह को सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है, जैसे ही बाउंस बैक हो जाएगा यहाँ पे एक अनुमानित लाइन रहता है, उस लाइन के ऊपर आते ही आपको बाइंग साइड में जाना है। तो मैं जैसे ही बताया हूँ जो 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाइएगा, अगर शुरू का सेशन में डाउन आता है तो एक दो कैंडल डाउन होने दीजिए, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, अब चौथी कैंडल मान लीजिए ये हो गया है, इस कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया है, राइट, आप यहाँ पे कॉल बाय कर लीजिए। बहुत दूर का नहीं है, ऐसे नहीं कि मैं 33,200 चल रहा है मैं 34,000 का कॉल बाय कर लिया हूँ, प्रीमियम डीके होगा दोस्तों। 33,200 चल रहा है, अब मुश्किल से 33,400 का कॉल बाय कर सकते हैं, मुश्किल से, और वो भी आपके अंदर जो टेक्निकल नॉलेज है उस नॉलेज को काम में लाइए, उस नॉलेज को काम में लगाइए, अरे फिक्स प्रॉफिट मार्केट से उठाइए। मान लीजिए यहां से इस तरीके से हुआ और अगेन इस हाई को ब्रेक किया, तो यहां से कहां जा सकता है बैंक निफ्टी कल के लिए, मैं क्लियर आपको लिख के दे रहा हूं। यहां पे जो पिन पॉइंट रेसिस्टेंस है 34,190, 34,200, ओके। ध्यान से देख लिया आपने रेंज, जो रेसिस्टेंस लेवल है कल का, मान लो कल का नियर अबाउट 34,000 के पास ओपन हुआ, नियर अबाउट 34,000 के पास ओपन हुआ, हो सकता है शुरू का 5 मिनट या फिर 10 मिनट में ये 34,200 के करीब गया, करीब गया, और यहां से डाउनफॉल आया दोस्त, भारी डाउनफॉल आएगा, ये याद रखना, ओके। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या स्थिति है। तो हमारे सामने ये ऑप्शन चेन रेडी है, और इस ऑप्शन चेन को देखते हुए हम देखेंगे कि कहां पे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें समझ में आ रहा है। इन तमाम चीज को बारीकी से समझने के लिए देखो, एक दिन में हम बैंक में कितना लॉस कर लेते हैं, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोग कितना कमा लेते हो और कितना लॉस करते हो। मुझे पता है ये वीडियो व्यूज लोग देखेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक लाइन लिखेंगे नहीं, हम लोग आप लोगों के लिए 10 मिनट 15 मिनट टाइम लगा, सिर्फ ये नहीं होता है जो 15 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठ गया और आपके सामने कुछ भी बक दिया, इसके पीछे हमें आधा घंटा और एनालिसिस करना पड़ता है, तब आपके लिए कुछ बनाया जाता है। तो आपसे अगर कुछ मंगा जाता है, कुछ पूछा जाता है, तो उसका रिप्लाई देंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, बाकी आपका मर्जी है, हम स्वाधीन देश का स्वाधीन नागरिक है। तो दोस्तों यहाँ पे 14,800 मुझे निफ्टी के लिए सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। 14,900 के ऊपर जाके मार्केट ओपन होने का चांसेस मुझे बहुत क्लियर लग रहा है एज पर ऑप्शन चेन। रेसिस्टेंस के तौर पर 15,050 ये एक रेसिस्टेंस लग रहा है, 15,000 का रेसिस्टेंस लग रहा है एज पर ऑप्शन चेन, मुझे बहुत क्लियर ये लग रहा है कि मार्केट गैप अप होना चाहिए, राइट, ओके। चलिए दोस्त यहाँ पे चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे चलते हैं। जैसे कि मैं बताया हूँ कि थोड़ी सी मैं बिजी शेड्यूल में चल रहा हूँ, जिसकी वजह से आपके लिए डिटेल्स वीडियो नहीं बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एट द रेट मानिक ऊपर लाइन खींच दिया हूँ, और यहाँ पे जो स्थिति है क्या दिख रहा है, स्थिति है सपोर्ट बहुत क्लियर है 33,500 अभी तक, ध्यान दीजिए मैं जो वर्ड को यूज कर रहा हूँ अभी तक, कल क्या होगा रब जाने। अगर मार्केट सुबह के सेशन में डाउन आता है 33,500 के करीब आता है, आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद, एक कंफर्मेशन कैंडल का हाई के ऊपर आप बाइंग करेंगे। अब लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर कंफर्मेशन कैंडल कितने का ले,
तो देखो कंफर्मेशन कैंडल, आप अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर टेक्निकल लगा के आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट का कैंडल का कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप 15 मिनट के चार्ट को देखते हुए ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट का कंफर्मेशन ले सकते हैं। 1 मिनट या 2 मिनट बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होता है, लेकिन हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करने का अलग अलग रणनीति होता है। तो आपके अंदर कौन सी रणनीति है ये आप ही जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस की बात करें तो कहां तक जा सकता है बैंक निफ्टी, बहुत क्लियर मैं आपको टेक्निकल चार्ट से बता दिया हूं, 34,000 से लेके 34,200। ओके, आप यहां पे देखिए सेम इसी तरीके से आपको ऑप्शन चेन बता रहा है। ये हम बैठे हैं भाई, तुम आओ, तुमको दबाने के लिए हम बैठे हैं यहां पे, राइट। तो 34,200 ये यहां पे भालू बैठे हुए हैं, जब आप यहां पे आओ भालू हावी हो जाएगा आपके ऊपर। यहां पे बैठे हुए हैं ये, तुम आओ मेरे पास, तुमको लात मार के भगाएंगे। ओके, तो चीजों को देखिए, समझिए और ट्रेड कीजिए। खुद के अंदर एनालिसिस है तो ट्रेड कीजिए, नहीं एनालिसिस है तुक्काबाजी मत कीजिए, तुक्काबाजी में आपका मेहनत का पैसा गवाएगा, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आप चाहते हैं जो ऑनलाइन टेक्निकल क्लास लेना चाहिए और बाकी स्टूडेंट जैसे मैं भी प्रॉफिट करूं हर रोज, तो हमारा 7,000 का कोर्स ज्वाइन कीजिए। प्रोसेस है, सबसे पहले आपको 2,000 से सीट बुक करना है और एवरी डे आपको एक परफेक्ट कॉल दिया जाएगा, जिस कॉल के ऊपर प्रॉफिट करके आप आगे का क्लास करके मार्केट में बने रह सकते हैं। कोर्स करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू, जय हिंद।